की स्किन को ब्राइट नहीं करेगा, ठीक है, गोरा चिट्टा नहीं बनाएगा। मेरी स्किन काफ़ी रफ होना शुरू हो गई थी, तो मैंने स्किन के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे रफ रफ सी फील हुई। मेरे को ये क्या सीन। हाय, हाउ आर यू, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर विद अनदर वीडियो, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको आफ्टर 15 डेज रिव्यू दूंगी किल्टन प्योर की प्रोडक्ट के ऊपर, विटामिन सी के ऊपर। तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब बिजी थी काफ़ी, तो डैट्स व्हाई मैं जो है वो वीडियो नहीं बना सकी। तो आज मैंने वीडियो बनाई है इसके रिव्यू के ऊपर, इसके रिजल्ट के ऊपर कि आया इसका रिजल्ट क्या है मिला मुझे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन सी सीरम का ऑनेस्ट रिव्यू। इसमें आपको बताऊंगी कि क्या विटामिन सी सीरम वाकई इफेक्टिव है या नहीं है, इसने मेरी स्किन पे क्या इफेक्ट किया है, इसने मेरी स्किन ख़राब की है नहीं की है, इसने एक्ने स्पॉट को रिड्यूस किया है नहीं किया है, ब्राइट किया है नहीं किया है। एंड इसके यूज़ करने का भी तरीका बताऊँगी, इसके रिज़ल्ट के बारे में बताऊँगी और कितने दिनों में रिज़ल्ट आता है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक सिस्टर ने पहले जो मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि सिस्टर ने कीमत किया है किल्टन प्योर की प्रोडक्ट मंगवाई है, उसका ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल प्लेन वाइट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जो मेरा सीरम है वो भी अंदर से वाइट है। तो सिस्टर, आपने जो विटामिन सी सीरम मंगवाया है वो किसी फेक पे से मंगवाया है, वो ओरिजिनल नहीं है पहली बात। दूसरा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इससे फेस ख़राब होता है तो या नहीं होता, तो इससे फेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। एक ने पूछा था इसकी कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है या फॉरेन है, तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, अगर हम बात करें चिल्टन प्योर विटामिन सी सीरम की, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ब्राइटर करता है एंड हेल्थियर स्किन करता है, ठीक है। तो एक बात क्लियर कट बता दूँ कि ये आपकी स्किन को ब्राइट नहीं करेगा, ठीक है, गोरा चिट्टा नहीं बनाएगा, बिकॉज मुझे तो इसने कोई नहीं गोरा चिट्टा बनाया, तो ये ब्राइट स्किन को नहीं करता। अलबत्ता इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, इनके जो एक्नी के बाद दाग आ जाते हैं, वो रिमूव करता है, वो उनको बिल्कुल रिमूव नहीं करता, ठीक है, उनको लाइट ज़रूर कर देता है। आपको पहले वो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं कि दाग पड़े हुए, लेकिन जब आप ये यूज़ करते हो तो इससे ये होता है कि वो दाग आपके कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये आपकी स्किन का इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी स्किन को, जो स्किन अनइवन होती है उसको इवन करता है और कोलेजन को बूस्ट करता है। इससे आपकी स्किन स्मूथ होती है और मतलब बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाती है, स्मूथ से हो जाती है, और ये फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। अब किसी सिस्टर ने इसके इंग्रेडिएंट्स पूछे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो अगर मैं यहाँ से जूम करने की कोशिश करूँ, अगर दिखाई दे तो ये तो इसका यूज़ लिखा है, ये इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपके जो स्किन सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होता है वो है हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये जी आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज अ मॉइस्चराइजिंग के तौर पे। तो अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने जब ये विटामिन सी सीरम यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो इससे हुआ ये था कि 2-3 दिन बाद मेरी स्किन काफ़ी रफ़ होना शुरू हो गई थी। तो मैंने स्किन के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे रफ रफ सी फील हुई, मेरे को ये क्या सीन हो रहा है। तो इट्स मीन इसने क्या किया, इसने मेरी डेड स्किन को भी रिमूव किया। तो डैट्स वाई ये वाला विटामिन सी सीरम आपकी जो डेड स्किन है, जो डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज इसने तीन चार दिन के बाद आई थिंक सो, ठीक है, मेरी स्किन रफ से होना शुरू, मैंने स्किन के ऊपर हाथ लगाया फेस के ऊपर तो मुझे ना अजीब सी स्किन लगी, रफ रफ सी, मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया, स्किन तो मेरी स्किन ख़राब कर दी। बट फिर मैंने पीछे नहीं हटी, मैंने कहा नहीं मैं इसको यूज़ करूँगी, तो फिर मैं यूज़ करती रही। तो उसके बाद मैंने देखा तो वो क्या थी, वो डेड स्किन थी, वो आराम से उतर गई थी, बाद में ठीक हो गया था। और दूसरा, इसने क्या किया था, जो मैं हालांकि मैंने कभी जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स जो हैं वो मैंने रिमूव नहीं किए, तो इससे ये हुआ कि मेरे स्किन में पता नहीं हीट अप हुई या क्या हुई, तो इससे मेरे नोज़ के ऊपर वाइट हेड आना शुरू हो गया ना, मतलब वो बाहर निकलना शुरू हो गया, मेरे नोज़ के ऊपर हल्का वो मुझे यूँ रफ रफ सा फील हो। तो फिर मैंने रिवाच की, वो नोज स्ट्रिप यूज़ की और से मैंने अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर दिया। तो इससे मुझे ये भी फ़ायदा हो गया कि चलो मेरे कभी मतलब ब्लैक हेड्स कभी प्रोमिनेंट नहीं हुए थे, कभी बाहर नहीं आ गए थे, तो वो भी जो थे वो भी ख़त्म हो गए, मतलब निकल आए थे बाहर। और होनेस्टली बताऊँ तो वाकई मुझे राइट चीक के ऊपर तो 3 दाग थे एक्नी के, ठीक है, वो थे एक्नी स्पॉट थे, तो मेरे लाइट होना शुरू हो गए हैं। और तो था स्किन जो मेरी थी वो भी काफ़ी जो है वो कोलेजन इसने बूस्ट किया है, वो भी मेरी टाइट होना शुरू हो गया स्किन। तो वाकई ये काम करता है,
बहुत अच्छा विटामिन सी सीरम है, आप इसे यूज़ करें, बट अगेन बता रही हूँ ये आपकी स्किन को ब्राइट नहीं करेगा, आपको गोरा चिट्टा नहीं बनाएगा, ठीक है। अक्सर लोग जो हैं वो विटामिन सी कहते हैं कि हम ब्राइट अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसकी वो मतलब फ़ायदा नहीं है। आपको अगर यूज़ करना है तो आपने ब्राइट के लिए तो ये कोई और सीरम यूज़ कर लो, अगर ये सीरम यूज़ नहीं करना आपने चिट्टे होने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल पता नहीं क्या फोबिया हुआ हर एक को कि मैंने गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है, तो इस फोबिया से बाहर निकलाओ। हेयर तो अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ये हेल्पफुल विटामिन सी सीरम है, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आपने सिंपल इसके 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं, मीन के एक राइट चीक पे, एक लेफ्ट चीक पे, चिन पे, नोज़ पे एंड हेड पे, एक ड्रॉप आपने इसको अप्लाई करना है और इसको हल्का सा रब कर देना है। और जो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले लगा लें ताकि ये काम करे, क्योंकि सुबह के टाइम आप लगाओगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, रात को आप लगाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और मैंने इसे जो है वो एक मंथ यूज़ किया है, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं तकरीबन मेरे हाल में ये जो 30 ml की बॉटल होती है और ये मुझे मिली थी, इसकी प्राइस जो है वो मिली थी 1100 की थी, और जो डाल के इसको डिलीवरी जल डाल के 1300 की मुझे मिली थी। अभी आज मैंने देखा है तो आज 999 रुपीज़ की मिली है, मीन के 1000 रुपये की आज मिल रहा है। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं और ये फ़ायदेमंद है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने दिनों में इसका रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हम अक्सर हमारी आदत होती है ना कि हम जैसे कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं भाई 1-2 दिनों में रिज़ल्ट फ़ौरन से मिल जाए, बट ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। आपको 1-2 दिनों में रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इसका रिज़ल्ट आपको विटामिन सी का अच्छे वाला रिज़ल्ट मिलेगा कम से कम 6 हफ्तों के अंदर, ठीक है। तकरीबन ये 1.5 महीना बनता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो उसमें ये लाजमी आपको अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। मैंने कहा था जैसा कि 15 दिन बाद मैं इसका रिव्यू डालूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू रिज़ल्ट बताऊंगी कि आया इसका क्या है, बट मैंने कुछ वजह से मैंने डाल सकी, वीडियो नहीं बना सकी। तो तकरीबन ये मैंने 1 मंथ यूज़ किया और वाकई मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं उसके अलावा, ब्राइटनेस के अलावा, ठीक है। इसने ब्राइट नहीं किया मेरी स्किन को, बट इसने बाकी तमाम रिज़ल्ट मुझे दिखाए 1 महीने के लिए। वो ये 30 ml की बॉटल है, तकरीबन मेरे ख्याल में ये 3 महीने चल जाएगी आराम से, 1 महीना तो हो गया। इसके बाद मैंने यूज़ करना छोड़ दिया है क्योंकि मतलब मेरी तबीयत इतनी ठीक थी, डैट्स वाई। तो अब इंशाल्लाह इसको मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यू था श्रुतन प्योर के विटामिन सी सीरम के ऊपर। होप्स यू लाइक माय वीडियो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।